हेलो फ्रेंड, मैं हूं रोशन कुमार और आज के वीडियो में बात करेंगे एलजेब्रा पे। तो प्रीवियस दो वीडियो में भी एलजेब्रा का वीडियो था, जो कि आपको जैसे मैं एक्स प्लस वन बटा एक्स दिया हुआ था, तो कैसे हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स के पावर फोर का निकाल सकते थे। और फिर दूसरे वीडियो में देखें कि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर कोई संख्या दिया हुआ है तो कैसे हम उसका क्यूब निकाल सकते हैं, या एक्स माइनस वन बटा एक्स दिया हुआ है तो कैसे हम लोग एक्स माइनस वन बटा एक्स का क्यूब निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब या एक्स के पावर नौ माइनस वन बटा एक्स के पावर नौ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे मैं एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू दे दिया, तो आप कैसे एक्स के पावर पांच प्लस वन बटा एक्स के पावर पांच का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या आपको दे दिया कि एक्स के पावर सात प्लस वन बटा एक्स के पावर सात का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या एक्स के पावर पच्चीस प्लस वन बटा एक्स के पावर पच्चीस का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो यही आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं आपको दे दिया कि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर कोई संख्या ए है, कोई संख्या ए है, एक जगह पे एक दो तीन चार पांच कुछ भी दे दे, हमको उसे मतलब नहीं है। आपसे पूछ दे कि एक्स के पावर पांच प्लस वन बटा एक्स के पावर पांच का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पांच को आगे तोड़ेंगे ऐसा खंड में कि जो कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अभाज्य संख्या में। तो पांच को दो और तीन और दोनों को जोड़ेंगे तो पांच हो जाएगा ना, पांच दो और तीन में तोड़ दिए और दो प्लस तीन पांच, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक ये टूट जाएगा, एक्स के पावर टू प्लस वन बटा एक्स के पावर टू इंटू एक्स के पावर थ्री प्लस वन बटा एक्स के पावर थ्री और माइनस कर दीजिए एक्स प्लस वन बटा एक्स, आपको एक्स के पावर फाइव का वैल्यू आ जाएगा। इसको एग्जांपल से देखिए, जैसे मैं आपको दे देता कि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर जो है दो है, तो एक्स के पावर पांच प्लस वन बटा एक्स के पावर पांच का वैल्यू कितना होगा। आपको ये याद करने के लिए पांच को क्या किया, ऐसे खंड में तोड़ दिए कि जो खुद से सिर्फ डिवाइड हो, और उस दोनों को जो किए उसका जोड़ जो है पांच के बराबर आना चाहिए। तो दो और तीन में तोड़ दिए, दो प्लस तीन होता है पांच। जैसे मैं सात दे देता तो उसको तोड़ देते, नौ दे देता तो उसको तीन और तीन में तोड़ देते। तो आगे भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहां पर इसका वैल्यू बताना है, तो एक्स के पावर पांच प्लस वन बटा एक्स के पावर पांच है, तो इसको पांच को किस किस में तोड़ सकते हैं, तो दो और तीन, क्योंकि दो प्लस तीन पांच होता है। तो यहां पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब प्लस वन बटा एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बटा एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का निकालना आप लोग जानते हैं, सबसे पहला वीडियो में यही सिखाया गया था। अगला वीडियो में सिखाया गया था कि एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का कैसे निकाल सकते हैं, और एक्स प्लस वन बाई एक्स का तो वैल्यू दिया ही हुआ है। तो एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर ये दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा कि इसका स्क्वायर तो दो का स्क्वायर और माइनस दो, यहां पर दोनों जगह पे प्लस है तो यहां पे क्या करेंगे माइनस। अगला देखिए यहां पे क्या निकाला है, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू, तो इंटू एक्स एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर ये है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये जो संख्या है उसका क्यूब आ माइनस थ्री गुना वो संख्या, तो कितना है दो, आ माइनस एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है दो, यहां पे दो लिख लीजिए, दो का स्क्वायर चार, आ चार में से दो गया तो दो, गुना दो का क्यूब आठ, आठ में से तीन गुना दो छ, छ गया तो कितना बचा दो, आ माइनस दो, तो दो दूनी के चार, आ चार में से दो गया तो दो। तो आप लोग देखिए एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू दो है, तो एक्स के पावर फाइव प्लस वन बटा एक्स के पावर फाइव का वैल्यू भी दो आया। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा कि दोनों बराबर होगा, कभी क्या होगा अलग भी होगा। अगला एग्जांपल से देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को याद रखिए, बाकी के हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे मैं देखिए आपको दे दिया कि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर जो है वो थ्री है, तो आपको बताना है कि एक्स के पावर पांच प्लस वन बटा एक्स के पावर पांच का वैल्यू कितना होगा। तो आप इसको फॉर्मूला भी याद किए, क्या याद किए
कि x का 5 को तोड़ दीजिए अभाज्य संख्या में, उसका दोनों का जोड़ 5 के बराबर ही हो, ये याद रखिए। यदि यहाँ पे 5 है तो तोड़े ऐसा में कि दोनों का 5 ही, ये याद करने में आसानी होगा, नहीं तो ऐसे फॉर्मूला रटते ही रह जाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब माइनस प्लस 1 बटा एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बटा एक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना जानते हैं क्या होता है, एक बार फॉर्मूला इसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैं आपको दे दिया कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता था, तो ये संख्या का स्क्वायर था ए का स्क्वायर और माइनस 2। यदि एक्स क्यूब का वैल्यू निकाला जाता था तो क्या करते थे, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाता था, ये संख्या का क्यूब तो ए का क्यूब और माइनस 3 है, होता था कि नहीं होता था। यहाँ पे ए क्यूब माइनस 3 है, यदि यहाँ पे माइनस रहता और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे क्या करते प्लस, यदि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे क्या करते प्लस। आप लोग यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप हमें फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अनएकेडमी पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 का निकालना है, इसको निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये कितना दिखा है एक जगह पे 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों जगह पे प्लस है तो माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, इसका क्या होता है ए क्यूब माइनस 3 है, मतलब ये संख्या का क्यूब तो 3 का क्यूब और माइनस 3 गुना 3 माइनस एक्स प्लस 1 बटा एक्स है, तो ये तो दिया ही हुआ है कि 3 है तो 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 गया तो 7 गुना 3 का क्यूब 27 और 3 दिया 9 तो 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 18 और माइनस 3, 18 सते तो 8 सते 56 के 6 और 5 कह रही है 1 सते 7 और 5 12 तो 126 है, 126 में से 3 गया तो 123। तब आप लोग को देखिए यहाँ पे क्या है x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 का वैल्यू अलग है, यदि आपको दे देता आपको खुद से बनाना है 3 क्वेश्चन। देखिए जैसे मैं दे दिया कि x प्लस 1 बटा x बराबर 4 है, तो x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि x प्लस 1 बटा x बराबर 7 है, तो x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन को क्या करना है बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। अब हम लोग देखते हैं जब x प्लस 1 बटा x का वैल्यू दिया हुआ और x के पावर 7 प्लस 1 बटा x के पावर 7 में कैसे तोड़ सकते हैं। तो यहां पे देखिए क्या आपको दिया हुआ है कि x प्लस 1 बटा x बराबर कोई संख्या दे दिया, मान ली कि a दे दिया, आप लोग b c d कुछ भी मानिए, या आपकी हम लोग मान लेते हैं कि k है, k कोई कॉन्स्टेंट है, तो आपको बताना है कि x के पावर 7 प्लस 1 बटा x के पावर 7 का वैल्यू कितना होगा। यहां पर k के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो इसको क्या करेंगे कि लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 1 बटा x का क्यूब माइनस x प्लस 1 बटा x, ठीक है। x के पावर 7 को प्लस 1 बटा x के पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बटा x का क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बटा एक्स। तो आप देखिए इसको एग्जाम्पल से, यहां पे भी देखिए यहां पे तोड़े तो 4 और 3 का सम कितना है 7 के बराबर है ना, तो कभी भी ऐसे ही तोड़ना है, जैसे मैं 5 था तो 2 और 3 5 के बराबर है, तो इसी तरह से सोच के ही आप लोग तोड़िए, और ये एक दो बार फॉर्मूला पे क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, आपको कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल ही याद हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 3 है,
तो आपको बताना है कि x के पावर 7 प्लस 1 बटा x के पावर 7 क्या होगा। आप 3 के जगह पे 5, 7, 9, 15 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी के कारण 3 या 2 ले रहे हैं। यहाँ पे 2 ही ले लीजिए कि क्या होगा कि ज्यादा आसानी से रहेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x के पावर 7 प्लस 1 बटा x के पावर 7 का वैल्यू निकालना है। आपको क्या चाहिए वैल्यू, x के पावर 4 प्लस 1 बटा x का 4 का वैल्यू और x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का वैल्यू। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालने के लिए जानते हैं आप लोग, तो हाँ जानते हैं, तो इससे क्या करेंगे आगे x स्क्वायर निकालेंगे और तब जाके x के पावर 4 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस संख्या का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और माइनस 2, माइनस क्योंकि कि दोनों जगह पे प्लस है, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया तो 2। अब हम लोग x के पावर 2 से क्या निकालेंगे, x के पावर 4, उसके बाद x के पावर 8, कभी भी पावर दुगना का ही हम लोग जानते हैं। अब देखिए x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस संख्या का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 था यहाँ पे भी 2 था, न किसका करेंगे, यहाँ पे यदि 5 आता ना तो 5 का स्क्वायर करते हैं, न कि ये का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर और माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया तो 2। आपको क्या है डायरेक्ट भी ट्रिक x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा। लेकिन क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा भी फॉर्मूला याद नहीं कर सकते हैं, एक फॉर्मूला मैथ क्या है, एक से एक दूसरे को रिलेट करके याद रखिए, बाकी के क्या है हर एक सब्जेक्ट को याद नहीं कर सकते हैं रिलेट करके। लेकिन इसको क्या है, x के पावर x स्क्वायर पर चल गया, फिर x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 पर डायरेक्ट चल गया, और फॉर्मूला भी हम लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का वैल्यू आ गया, x का क्यूब का प्लस 1 बटा x का क्यूब का डायरेक्ट जानते हैं निकालने के लिए, और x प्लस 1 बटा x का वैल्यू तो हमको पता ही है कि कितना है, तो 2 है। तो देखिए तो x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 की जगह पर कितना वैल्यू आ गया, तो 2। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2। उसके बाद देखिए x क्यूब प्लस 1 बटा x का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जब x प्लस 1 बटा x पावर 2 है तो ये संख्या का क्यूब कर दीजिए, और दोनों जगह प्लस है तो माइनस लिख दीजिए, तो 2 का क्यूब और माइनस 3 गुना वो संख्या, तो संख्या क्या है 2, और माइनस x प्लस 1 बटा x, इसका तो वैल्यू दिया ही हुआ है, तो माइनस 2, 2 गुना 2 का क्यूब 8 है, में से 3 गुना 2 6, तो कितना बचा 2, और माइनस 2, तो 2 गुना 2 4, 4 में से 2 गया तो 2। तो यहाँ पे x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है, तो x के पावर 7 प्लस 1 बटा x के पावर 7 का भी वैल्यू 2 आया, लेकिन जब 3 लेंगे तो वैल्यू सेम नहीं आएगा। तो देखिए उसको कैसे बना लेंगे, यहां पर इसको मिटा लेते हैं। तो जैसे मैं आपको दे दिया कि x प्लस वन बटा x बराबर जो है 5 है, तो x के पावर 7 प्लस 1 बटा x के पावर 7 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, आगे हम पावर 4 निकालेंगे, अब तब पावर क्यूब निकालेंगे, अब तब इसका तो वैल्यू हम लोग को पता ही है, तो क्यूब का तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन पावर 4 का हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसके लिए क्या करेंगे, आगे पावर दुगना जाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 8 पे जाएंगे, 16 जाएंगे, यदि यहां पर x के पावर 16 भी रहता तो हम लोग दुगना करते हुए जाते हैं। तो देखिए इसे अब क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो क्या है एक्स से एक्स स्क्वायर निकालना है, तो क्या करिए पावर जब दुगना हो तो इस संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर और माइनस, माइनस क्यों लिखे, क्योंकि दोनों जगह पे प्लस है, अब तो याद हो ही गया होगा, बार बार दोनों जगह पे माइनस होगा कि प्लस होगा ये अब आपको याद रखना है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 2, उस कितना गया 25 में से 2 गया तो 23। अब हमको निकालना है क्या, x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4, तो क्या करेंगे 23 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 करेंगे, 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो नहीं पता है तो क्या करेंगे कि गुना कर लेंगे, तो 3 तिहाई 9 ये वाला गुना कर लिए, 2 तिहाई 6 और 6 12, 12 के करिए 2 दिन के 4 है 5, तो 529 माइनस 2 तो 527, यहां पे हो गया। आपको पता चल गया कि x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का वैल्यू कितना है, तो 527 है। तो यहां पे देखिए इसका वैल्यू कितना है 527, तो 527 लिख लीजिए गुना एक्स क्यूब प्लस 1 बटा x का क्यूब का फॉर्मूला जानता है क्या, x प्लस 1 बटा x बराबर ये संख्या है, तो ये क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे उस संख्या का क्यूब माइनस 3 गुना वो संख्या। तो यहां पे देखिए
संख्या का क्यूब तो 5 का क्यूब और माइनस 3 गुना 5 और माइनस एक्स प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना है तो 5 ही है यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए 527 और गुना 5 का क्यूब तो 5 बचे 25 और 25 बचे 125 और में से 15 गया तो 3 बचे 15 और माइनस 5 125 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 110। तो 527 गुना 110 और माइनस 5 ये दोनों को गुना कर लीजिए और 5 घटा लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन तो आपको करने का जरूरत नहीं है, आप लोग इसको क्या करिए कैलकुलेटर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसमें से 5 घटा दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए x के पावर 5 का निकालने के लिए सीखे, x के पावर 7 का निकालने के लिए सीखे, अब हम लोग सीखेंगे x के पावर 9 का। तो आपको यहां पे भी कुछ होमवर्क है, तो जैसे मैं देखिए आपको क्या है यहां पे होमवर्क कि आपको निकालना है कि x प्लस 1 बटा x बराबर 3 है तो आपको निकालना है कि x के पावर 7 प्लस 1 बटा x के पावर 7 का वैल्यू कितना होगा, और एक है कि x प्लस 1 बटा x बराबर यदि 4 है तो x के पावर 7 प्लस 1 बटा x के पावर 7 का वैल्यू कितना होगा। आप लोगों को ये दोनों होमवर्क है, पहले में क्या था x के पावर 5 का निकालना था और अब x के पावर 7। ये होमवर्क इस चलते हैं कि आप लोग यदि दो प्रश्न बना ले रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब देखिए x के पावर 9 वाला, तो यदि आपको दे दे कि x प्लस 1 बटा x बराबर कोई संख्या a है तो आपको निकालना है कि x के पावर 9 प्लस 1 बटा x के पावर 9। तो इसको ऐसा दो खंड में तोड़ लीजिए तो 3 और 6 5 4 इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग तोड़ेंगे 5 और 4 में तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक सबसे अच्छा यहां पे याद करने का जो ट्रिक है वो सबसे अच्छा कि ऐसा खंड में तोड़िए कि आपको उसका अंतर जो है एक के बराबर हो जाए, ठीक है ना, ये सबसे आसान है। तो देखिए जैसे मैं आपको क्या था x प्लस 1 बटा x बराबर कोई संख्या दिया हुआ रहता था तो x के पावर 5 और प्लस 1 बटा x के पावर 5 को कैसे तोड़ते थे कि x का स्क्वायर और प्लस 1 बटा x स्क्वायर इंटू x का क्यूब और प्लस 1 बटा x का क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बटा एक्स। यहां पर देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, अंतर कितना है 1 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 आ गया। उसी तरह से देखिए x के पावर 7 और प्लस 1 बटा x के पावर 7 को क्या लिखते थे कि x के पावर 4 और प्लस 1 बटा x के पावर 4 इंटू x का क्यूब और प्लस 1 बटा x का क्यूब और माइनस एक्स प्लस 1 बटा एक्स। तो यहां पे भी देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 आइए 4 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 7 बराबर आया ना। अब x के पावर अब क्या है आपको कि x के पावर 9 में तोड़ना है तो ऐसा तोड़िए कि जिसमें क्या हो जाए कि दोनों के जोड़े तो 9 आ जाए घटाए तो 1 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे तो यहां पे 9 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 और 6 में, तो 3 प्लस 6 तो 9 हो जा रहा है लेकिन 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा। एक तोड़ सकते हैं 5 और 4 में, तो 5 और 4 9 हो रहा है और उसमें से 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो अंतर भी 1 है और जो जोड़ है तो 9 के बराबर। ये सबसे अच्छा ही ट्रिक है आपको याद करने के लिए। तो देखिए x के पावर 9 प्लस 1 बटा x के पावर 9 का निकालना है, तो ये दोनों तो ट्रिक आपको याद हो गया होगा। तो देखिए इसको मिटा देते हैं तो आपको जो निकालना है x के पावर 9 प्लस 1 बटा x के पावर 9 को, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 इंटू x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 माइनस x प्लस 1 बटा x। तो आपको x के पावर 9 का भी फॉर्मूला पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है x के पावर 5 का वैल्यू निकालना है, x के पावर 4 निकालना है और x प्लस 1 बटा x निकालना है। एक अगला भी ट्रिक है, जैसे मैं कहीं पे कह दिया कि x के पावर 25 प्लस 1 बटा x के पावर 25 का वैल्यू कितना होगा। ये दोनों बहुत रेयर केस में ही पूछा जाता है, ज्यादातर आपको क्या है x प्लस 1 बटा बहुत पावर 5 तक पूछेगा और नहीं तो उससे भी ज्यादा होगा तो 7 तक पूछेगा। 9 और 25 जो है
सीजीएल का ही सोचिए कि उसी में आ सकता है, नहीं तो बाकी के कोई एग्जाम में नहीं आ सकता है। लेकिन हम लोग को क्या है, सीखने का काम है कि कहीं एक क्वेश्चन दे दिया तो लेकिन हमको तो बनाना ही बनाना है। तो x के पावर 25 प्लस 1 बटा x के पावर 25 को तोड़िए, तो आपको इसको किस किस में तोड़ सकते हैं, तो 25 को जो है हम लोग क्या ऐसा में तोड़िए कि जिसका सम जो है 25 आ जाए, तो एक क्या 12 13 में कर सकते हैं, तो 12 प्लस 13 कितना होगा 25 है, अंतर कितना हो रहा है 1, तो ये तो हो गया कि सही है। अब देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी हम तोड़ सकते हैं कैसे, तो देखिए 16 और 9 में तोड़ सकते हैं, 16 प्लस 9 25 होता है, 16 में से 9 जगह 7 होगा, 3 होगा नहीं होगा, 11 14 में तोड़ सकते हैं, 11 में 14 में से 11 जगह तो 3, ये भी नहीं होगा लेकिन ये होगा, तब इसको इसी में तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, x के पावर 12 प्लस 1 बटा x के पावर 12 इंटू x के पावर 13 प्लस 1 बटा x के पावर 13 माइनस x प्लस 1 बटा x, ठीक है। आपको क्या है x के पावर 25 प्लस 1 बटा x के पावर 25 निकालना है, आपको दिया क्या हुआ x प्लस 1 बटा x का वैल्यू, तो आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं x के पावर 12 x के पावर 13 और x प्लस 1 बटा x का वैल्यू पता ही है। तो जैसे मैं देखिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आपको तो फॉर्मूला सब याद हो गया होगा, 9 25 और 4 का 4 5 4 4 तो निकाल ही सकते हैं, 5 का क्या फॉर्मूला था, x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 को एक बार सारे को एक जगह पे लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बटा एक्स और एक्स के पावर 7 प्लस वन बटा एक्स के पावर 7 का क्या फॉर्मूला था, तो यहां पे जो फॉर्मूला था कि एक्स के पावर 4 प्लस वन बटा एक्स के पावर 4 इंटू एक्स का क्यूब प्लस वन बटा एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बटा एक्स। आप क्या करिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप जब भी मोबाइल खोलिए तो आपको क्या ये फॉर्मूला दिखाई दे दे, ज्यादा नहीं 2-3 दिन तक ही आप देख लीजिएगा ना, तो आपको ये फॉर्मूला चारों क्या है याद हो जाएगा कि जब ये संख्या दिया हुआ है तो आप लोग कैसे 9 25 5 और 7 सारे का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ये और ये पे, तो ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि x जैसे मैं दे दिया आपको कि x प्लस वन बटा एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर जो है वो 2 है, तो आपको निकालना है कि x के पावर 9 प्लस 1 बटा x के पावर 9 का। इसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, 9 को 5 से 4 में तोड़ेंगे तो जोड़ 9 के बराबर होगा, अंतर 1 के बराबर होगा, तो x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 इंटू x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 माइनस x प्लस 1 बटा x, इसमें हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए x के पावर 5 का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, तो जानते हैं क्या कैसे कि निकालते हैं, तो x के पावर 5 बराबर क्या होता है, x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 बराबर, इसका फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर इंटू x का क्यूब प्लस 1 बटा x का क्यूब माइनस x प्लस 1 बटा x, और यहां पे x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का निकालना है, तो आगे इसका निकालेंगे, तो x प्लस 1 बटा x बराबर 2 दिया हुआ है, यहां पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू क्यूब निकालना है, तो क्या होगा 2 का क्यूब और माइनस 3 गुना 2, अभी तक फॉर्मूला याद हो गया होगा कैसे, x माइनस 1 बटा x बराबर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया तो 2, 2 3 2 का क्यूब 8, 8 में से 6 गया तो 2 और माइनस 2, तो 2 गुना 2 4 में से 2 गया तो 2, x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का भी वैल्यू कितना आता है यहां से, तो यहां से 2 ही आता है कैसे, तो देख लीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे आगे, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां पे, 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया तो 2, और फिर x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का भी वैल्यू कितना आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 में से 2 गया तो 2, तो यहां पे 2 की जगह पे क्या रहता है कि हमेशा सेम ही आता है, तो हमको क्या निकालना है x के पावर 9 प्लस 1 बटा x के पावर 9 का, तो यहां पे क्या करेंगे,
यहाँ पे पता चल गया कि x के पावर 5 का भी वैल्यू कितना है, 2 है, और x के पावर 4 का भी वैल्यू 2 ही है। तो डायरेक्ट पुट करिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 ही आया। तो एक आप लोग ट्रिक याद रखिए कि यदि कोई x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है ना, तो यदि आपको x के पावर 4 पूछ दे, 5 पूछ दे, 9 पूछ दे, हमेशा जो है बराबर ही आएगा। लेकिन यदि यहाँ पे 2 के जगह पे क्या होता, यदि 2 के जगह पे यहाँ पे क्या होता, 3 होता, तब हम लोग कैसे निकालते, तो x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4। तो आपको जो है ये होमवर्क में x प्लस 1 बटा x पावर 3 है, तो आपको निकालना है कि x के पावर 9 प्लस 1 बटा x के पावर 9 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, उसी तरह से आपको एक और भी है कि जैसे मैं आपको दे दिया कि x के पावर 25 प्लस 1 बटा x के पावर 25 का वैल्यू कितना है, ये भी आपको निकालना है। ठीक है, तो x के पावर 25 प्लस 1 बटा x के पावर 25 का भी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो x के पावर 12 प्लस 1 बटा x के पावर 12 इंटू x के पावर 13 प्लस 1 बटा x के पावर 13 माइनस x प्लस 1 बटा x। ठीक है, तो आपको यहां पे है कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है, तो x के पावर 25 प्लस 1 बटा x के पावर 25 का वैल्यू कितना होगा, आपको यही बताना है। तो ये होमवर्क है, तो आपको हर एक से क्वेश्चन है, दो दो क्वेश्चन मिला और यहाँ पे भी दो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए, आपका जो भी स्टडी ग्रुप में शामिल है उसमें भी शेयर करिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। थैंक यू।